क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टीम इंडिया के दो खिलाड़ियों हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर एक टीवी शो के चलते बैन लगाया गया था, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे से बीच में ही वापस बुला लिया गया और दोनों पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन अब बीसीसीआई ने न्याय मित्र से सलाह के बाद दोनों का बैन तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है, मगर इसके बाद हालात बेहद अजीब हो गए हैं, जिस पर आप भी कमेंट जरूर करें। हार्दिक पांड्या, जिन्हें टीवी शो के मामले में ज्यादा कसूरवार ठहराया जा रहा था, उन्हें बैन खत्म होने के तुरंत बाद न्यूजीलैंड रवाना कर दिया गया है और अब पांड्या तीसरा वनडे मैच भी खेलेंगे, जबकि केएल राहुल को टीम से बाहर कर दिया गया है। राहुल भी पहले वनडे और टी20 की टीम में शामिल थे, लेकिन अब राहुल को टीम से बाहर किया गया है और उन्हें इंग्लैंड की ए टीम के खिलाफ मैचों में शामिल करने की बात कही जा रही है। अब विराट कोहली तीसरे वनडे के बाद भारत वापस आ रहे हैं, ऐसे में उम्मीद थी कि राहुल उनकी जगह पर खेल सकते हैं, लेकिन अब राहुल के लिए यहां भी टीम में जगह नहीं बन रही है, तो राहुल का करियर खत्म ही मानिए और हो सकता है कि वर्ल्ड कप के लिए भी केएल राहुल को टीम में जगह ना मिले। अब आपको इस अनोखे फैसले पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।